हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको फोटोशॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ। फोटोशॉप में किसी भी इमेज के कलर को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें अगर हमारे पास कोई भी एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है तो उनको उनके कलर को चेंज करना, या ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में अगर कोई हमें कलर फिल करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे किसी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज में कलर को कैसे फिल किया जा सकता है, या उसके कलरफुल हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू में आएंगे। फाइल मेनू में ओपन का ऑप्शन होता है, जिसमें किसी भी इमेज को हम लोग ओपन कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O, या फिर हम लोग जो डिजाइनिंग एरिया स्क्रीन होता है यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ब्लैक एंड वाइट हमने इमेज पहले से रखा है अपने डेस्कटॉप पर। इस ब्लैक एंड वाइट इमेज को हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें कलर आपको फिल करना है। तो सबसे पहला काम, आप लोग इमेज में आइएगा, मोड में आइएगा। अगर ये ग्रे स्केल मोड में है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा RGB मोड में। अगर RGB मोड में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर RGB मोड आपका काम करेगा। लेकिन अगर मोड आपका ग्रे स्केल है तो सबसे पहले आप इसको RGB मोड में चेंज कीजिएगा। RGB मोड में चेंज करने के बाद ही इसमें हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये आपके सामने लासो टूल होता है जो सेलेक्ट करने का काम करता है। किसी भी एरिया को सेलेक्ट करने के लिए ये टूल होते हैं। तो इनमें जो आपका सबसे अच्छा टूल है वो मैग्नेटिक लॉसो टूल है। इनका यूज जैसे कि जितना आपको एरिया सेलेक्ट करना हो, बस आप एक जगह क्लिक करो और आप माउस पॉइंटर को मूव करो, ये सेलेक्ट होते हुए चलेगा। अगर आपका कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप बैक दबाओ, बैक स्पेस, और चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप जहाँ पे मिस्टेक हो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेलेक्ट हो रहा है, एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। ये काफी बारीकी से सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद अगर जहाँ मिस्टेक होता है, तो अगर एक बार में आपका सेलेक्ट नहीं होता है तो फिर से Ctrl+Z कीजिए और आप इसको काफी बारीकी से सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा एरिया अपने आप ऑटोमेटिक पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि डबल क्लिक ना हो। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया धीरे धीरे सेलेक्ट होते हुए चल रहा है। तो ये आप माउस पॉइंटर को मूव कराओ तो ये ऑटोमेटिक भी सेलेक्ट करते हुए चलता है। लेकिन कभी कभी सेलेक्ट ना हो, प्रॉब्लम होती, तो आप क्लिक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ क्लिक कर लो, ये देना है कि लॉकेट को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इनको भी हम हटा सकते हैं चाहे तो। ये कैसे होगा ये हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, अभी फिर सिंपल था। ये अब ये पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया है। चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हो, ऑल Ctrl+Z वापस बैक आ जाते हैं। एरिया सेलेक्ट होने के बाद हम लोग इमेज ऑप्शन में आते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है सिंपल सा कलर वाले, जो भी हमें कलर इसमें देना हो, सपोज रेड कलर देना हो तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर इसमें हम हल्का सा मैजेंटा, या फिर आपको ग्रीन कलर देना हो और हल्का सा ब्लू, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कलर चेंज हो रहा है। जैसा भी आपको कलर देना हो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर से एडजस्टमेंट में आते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, ऑप्शन होता है वेरियंस का। यहाँ से भी कलर को हम लोग डार्क या लाइट कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग, हल्का ये हिसाब से आपको कलर देना हो आप यहाँ से कलर ले सकते हो। कलर देने के बाद Ctrl+D डी सेलेक्ट होता है, जिससे आप यहाँ देख सकते हो ये कलर चेंज हो चुका है। अब आपको ये इसका हाथ है, इसके हाथ के कलर को चेंज करना है, तो फिर से वही काम, हम लोग सेलेक्ट करते हैं
ये यहाँ मिस्टेक हो गया, इसे बैक आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपको एक साथ इधर भी सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट का यूज कर लीजिए। अगर आप शिफ्ट का यूज करते हैं तो एक साथ मल्टीपल सेलेक्शन कर सकते हैं। ये दोनों एरिया सेलेक्ट हो गया। आपको फेस भी सेलेक्ट करना हो तो फेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इमेज एडजस्टमेंट, फिर से वही काम, कलर बैलेंस। यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, थोड़ा सा स्किन कलर लाना है हमें, तो स्किन कलर के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे आप देखें ये आपका बिल्कुल परफेक्ट स्किन कलर हो चुका है। कंट्रोल डी डी से लो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज को हम लोग कलर कर सकते हैं। तो इसी तरह आप फेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप कलर चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी आसान तरीका होता है अगर कोई हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसको कलर बनाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्शन काफ़ी बारीक होता है और आपको जूम करके एक एक सेलेक्शन को सेलेक्ट करना होता है। ये तो हम आपको बता रहे हैं इसलिए काफ़ी फास्ट है। आप जब भी सेलेक्शन कीजिएगा काफ़ी बारीकी से कीजिएगा। ओके अगर यहाँ मिस्टेक हो गया फिर से बैक स्पेस, ठीक है। ओके ये सेलेक्ट हो चुका है। फिर से वही काम, इमेज एडजस्टमेंट, कलर बैलेंस, हल्का सा येलो, हल्का सा रेड और हल्का सा मैजेंटा। एक ज़्यादा हो गया तो आप इसको कम कर सकते हो, मैजेंटा हल्का सा बढ़ा सकते हो, येलो आप ले सकते हो, रेड थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके कंट्रोल डी देखो। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज था, इसको हमने कलर इमेज में चेंज कर दिया। तो किसी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलरफुल बनाना हो तो काफ़ी आसान तरीका, बस आपको सेलेक्ट करना है और इमेज में जाना है, कलर आपको सेट कर देना। हम इसको फाइल सबसे पहले सेट करते हैं, सेव एज डेस्कटॉप पर। हमने इसका नया नाम दे दिया इमेज कलर, सेव किया। ओके अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपके सामने कलरफुल इमेज है और ये आपके सामने ब्लैक एंड वाइट इमेज। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हो किसी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कैसे हम लोग कलरफुल बना सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू।